की हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। बेटा मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको प्राचीन कवि घनानंद का जीवन परिचय और उनके दो कवि की सप्रसंग व्याख्या करवाई थी। आज अपनी इस क्लास में मैं उनके दो जो सवैये दिए गए हैं बुक में, आज हम उनकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे। देखिए बेटा, आप अपनी बुक में या फिर स्क्रीन पर घनानंद का सवैया देख सकते हैं। तब तो छवि पीवत जीवत है, अब सोचन लोचन जात चले। अगर ये पंक्तियां दी हुई हैं आपके एग्जाम्स में और लिखा होता है कि सप्रसंग व्याख्या करें, तो सबसे पहले आप प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग कैसे लिखेंगे बेटा? प्रस्तुत सवैया रीतिकालीन कवि घनानंद द्वारा रचित है। इसमें कवि विरह और मिलन की अवस्थाओं की तुलना करता है। प्रेमी कहता है कि संयोग के समय में तो हम तुम्हें देखकर जीवित रहते थे, अब वियोग में अत्यंत व्याकुल रहते हैं। तो इसमें आपने कवि कविता का नाम बता दिया, आपने संदर्भ भी बता दिया, अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। तब तो छवि पीवत जीवत है, अब सोचन लोचन जात जय। पीवत का मतलब होता है बेटा पीना, और लोचन का मतलब होता है नेत्र, ठीक है, और जरे का मतलब होता है जलना। तो कवि कहता है कि संयोग अवस्था में तो तुम्हारे यानी कि अपने प्रिया के सुजान के रूप सौंदर्य का पान करके जीवित रहता था, किंतु अब वियोग अवस्था में संयोग के क्षणों का स्मरण करके नेत्र जलते हैं। यानी हम जब संयोग की बातों को याद करते हैं तो उसमें हम बहुत अत्यंत व्याकुल हो जाते हैं। दूसरी पंक्ति देखिए, हित तोष के तोष सुप्राण पले विल्लात महादुख दोष भरे। तोष का मतलब होता है बेटा संतोष। अब कह रहे हैं कि संयोग काल की स्मृति जो है वो विरह वेदना को बढ़ा रही है कि संयोग अवस्था में तो प्राण प्रेम का पोषण पाकर पलते थे, अर्थात तुम्हारी समीपता के कारण मन आनंदित रहता था, किंतु अब विरह अग्नि में जलते रहने के कारण वो बिलबिला रहे। तीसरी पंक्ति देखिए, घनानंद नीत सुजान बिना सभी सुख साज समाज टरे। अब कवि घनानंद जी कह रहे हैं कि मनमीत सुजान के बिना सारे सुख के साजो समान दूर हो गए हैं, क्योंकि मुझे हर क्षण सुजान का ही ध्यान रहता है। तब हार पहाड़ से लागत है, अब आनी के बीच पहाड़ पड़े। पहाड़ का मतलब होता है बेटा पहाड़, पहला है जो वो पहाड़, ठीक है। संयोग अवस्था में गले के पड़े हार थे वो पहाड़ के समान लगते थे, क्योंकि वे हृदय के मिलन में बाधा पहुंचाते थे। अब वियोग अवस्था में दोनों के बीच पहाड़ आकर खड़े हो गए हैं। हम दोनों एक दूसरे से बहुत दूर चले गए हैं, एक छोर पर तुम यानी सुजान हो और दूसरे छोर पर मैं हूं, और दोनों के मिलन में बाधक पहाड़ उनके बीच में आकर खड़े हो गए हैं। अब हम इसका काव्य सौंदर्य करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कि यहाँ पर कवि का सुजान के प्रति अनन्य प्रेम दिखाया गया है। उसके बाद भाषा ब्रज है, छंद सवैया है, रस वियोग श्रृंगार रस है, और अलंकार की बात करें तो बेटा इसमें जात जले प्राण पले सुख साज समाज, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। हार पहाड़ से, सासी से आता है तो उपमा अलंकार होता है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार है, और पहाड़ में यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। दो बार ये शब्द यूज हुआ है, लेकिन दोनों ही बार इसका अर्थ अलग है। एक पहाड़ का अर्थ है प्रहार, चोट करना, और दूसरा पहाड़ होता है पहाड़, ठीक है। उसके बाद पहाड़ परे का लाक्षणिक प्रयोग हुआ है। तो चलिए अब हम इनका दूसरा सवैया देखते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर या अपनी पाठ्य पुस्तक में देख सकते हैं, घनानंद जी का दूसरा सवैया है, पूरन प्रेम को मंत्र महापढ़ जा मधी सोधी सुधारी हे लेखियो। बेटा ये अगर दिया होता है एग्जाम्स में और लिखा होता है सप्रसंग व्याख्या करो, ये चारों पंक्तियां दी होगी और सप्रसंग व्याख्या करने को आएगी, तो सबसे पहले आप प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में लिखते हैं हम कवि कविता का नाम और फिर संदर्भ लिखते हैं। तो हम लिखेंगे, प्रस्तुत सवैया रीतिकाल के कवि घनानंद द्वारा रचित है। विरह अग्नि में जलते कवि ने अपनी प्रिया सुजान को एक प्रेम पत्र लिखा, लेकिन उस निष्ठुर ने उसे पढ़ा तक नहीं और फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। पूरन प्रेम को मंत्र महापढ़ जा मधी सोधी सुधारी हे लेखियो। पूरन का मतलब होता है बेटा पूर्ण, संपूर्ण, और पण का मतलब होता है प्रण,
शोधी का मतलब होता है शोध करना, ठीक है, कोई रिसर्च वगैरह जो करते हैं, और सुधारी का मतलब होता है सुधार, और लेखियों का मतलब हो गया लिखा। तो कवि कहता है कि मैंने अपने पूर्ण प्रेम के महामंत्र को बहुत सोच विचारने के पश्चात, यानी बहुत शोध करने के पश्चात, शुद्ध भाव से प्रेम पत्र में लिखा। क्या लिखा, देखो, ताही के चारु चरित्र विचित्रनी यो पची के रची राखी विशेखियो। ताही का मतलब होता है बेटा उसके, उसके का मतलब सुजा, और विचित्रनी का मतलब होता है विचित्र चरित्र, और पचीके का मतलब होता है बेटा पचाकर, और रची राखी का मतलब होता है अपने अंदर समाकर, ठीक है, और उसके बाद विशेखियों का मतलब होता है बेटा विशेष। तो अब क्या हुआ कि कवि कहता है कि इस पत्र में मेरे बड़े यत्न पूर्वक उसी यानी सुजान के सुंदर चरित्र की विचित्रताओं का वर्णन विशेष रूप से किया गया। ऐसो हियो हित पत्र पवित्र जो आन कथा ना कहो कहूं अवरेखियो। अब अवरेखियो का मतलब होता है बेटा ये मैंने उसमें लिखा। वो कह रहे कि यह एक ऐसा हृदय का हित पत्र था जिसमें किसी अन्य की कथा का कोई उल्लेख नहीं था, अतः प्रिया के रुष्ट होने का कोई कारण नहीं था। ऐसी प्रेम कथा तो कहीं अन्यत्र नहीं लिखी गई थी, यानी उसमें मैंने ऐसा कुछ लिखा ही नहीं था कि वो नाराज होती। सो घनान घनानंद जान अजान लो टूक कियो पर बाची ना देखियो। ठीक है बेटा, अब क्या कह रहे हैं कि यह एक पवित्र प्रेम कथा थी, पर मिष्ठुर सुजान ने उस प्रेम पत्र को पढ़कर भी नहीं देखा। बाची का मतलब होता है उसने उसको पलटकर भी नहीं देखा, पढ़कर भी नहीं देखा, और उसे फाड़कर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। लिखा हुआ है ना टूक, टूक का मतलब उसके टुकड़े कर दिए। टुकड़े का मतलब हुआ कि इसमें जो कवि का जो हृदय था, वो हृदय क्या था, एक पत्र के समान था, वो प्रेम पत्र था, उसने उस प्रेम पत्र को ही नहीं फाड़ा, उसके टुकड़े नहीं करे, इससे कवि का हृदय भी टुकड़े टुकड़े हो गया, अर्थात उसका दिल टूट गया। अब काव्य सौंदर्य में लिखेंगे कि इस पद में कवि ने प्रेम के सुंदर पक्ष का वर्णन किया है, या लिख सकते हैं कि इस पद में कवि ने नायिका के विचित्र चरित्र का वर्णन किया है, और यहाँ उस नायिका का भी वर्णन है जो प्रिय से बुरी तरह से रूठी हुई है। उसके बाद हम भाषा इसकी देखेंगे, ब्रज है, ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग है, छंद सवैया है, रस वियोग श्रृंगार रस है। उसके बाद हम अलंकार छांटते हैं, तो पूरन प्रेम सोधी सुधारी चारु चरित्र रची राखी, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। उसके बाद देखिए बेटा तीसरी पंक्ति में आप देख रहे हो हित पत्र, हित पत्र का है हृदय रूपी जो प्रेम, तो यानी यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। हियो हित पत्र, हियो हृदय, हृदय रूपी जो प्रेम है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ। तो इस प्रकार हमने इसमें घनानंद जी के जो दोनों सवैये दिए गए थे उनकी हमने सप्रसंग व्याख्या की। तो सप्रसंग व्याख्या में बेटा याद रखना, सबसे पहले हम प्रसंग लिखते हैं, प्रसंग में कवि और कविता का नाम, फिर उसके बाद हम संदर्भ लिखते हैं कि ये पंक्तियां किस संदर्भ में लिखी गई है, ठीक है, उसके बाद हम उसकी व्याख्या करते हैं, उसके बाद जो लास्ट होता है उसमें काव्य सौंदर्य में, काव्य सौंदर्य में हमें भावार्थ देना होता है, भावार्थ देने के बाद हम देखते हैं भाषा, छंद, रस, अलंकार, ठीक है, इन सब का जो भी प्रयोग होता है वो उसमें हम लिख देते हैं। बेटा आप ये लिख दो कि सरल सहज भाषा है, या फिर इन इन अलंकारों का प्रयोग हुआ है, तो इसमें आपको फिर फुल मार्क्स नहीं देते हैं टीचर्स। तो इसलिए आप जब भी बताएं कि भाषा का प्रयोग हो, तो कौन सी भाषा है, ब्रज भाषा है, या जैसे आपने पढ़ा था भरत राम का प्रेम, उसमें अवधि भाषा थी, तो अवधि भाषा लिखिए, ठीक है। और जब भी हम अलंकार देते हैं तो सिर्फ नाम नहीं देने, आपको उसमें बताना भी कि कहाँ पर कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपने इसको बहुत अच्छी तरह से समझा होगा। धन्यवाद।